इसमें देखें, CSS की मेरी मोटिवेशन ये थी कि आई हैव सर्व्ड मल्टीपल डिपार्टमेंट प्रायर टू क्लियरिंग CSS। उसमें ये था कि सून आफ्टर माई मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम कायद यूनिवर्सिटी, आई वॉज अपॉइंटेड एज विजिटिंग लेक्चर इन गवर्नमेंट इमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान इन आई डिपार्टमेंट। सो आई रिमेंड देयर फॉर 6 मंथ और मैंने CSS की फर्स्ट अटैम्प्ट दी 2014 में। और उसके बाद 14 में अटैम्प्ट देते ही मीनवाइल मैंने जो नेशनल असम्बली में एक अपॉइंटमेंट थी, यूरोपीय यूनियन बेस्ड प्रोजेक्ट था इंप्रूविंग पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान। सो आई वॉज पोस्टेड इन नेशनल असम्बली IR विंग। सो आई स्टेड देयर फॉर 1.5 ईयर एंड फिर मैंने 15 में सेकेंड अटैम्प्ट दी वैन आई वॉज इन नेशनल असम्बली। सो आफ्टर दैट अटैम्प्ट और जब वो प्रोजेक्ट हमारा जब वाइंड अप हुआ तो आई ज्वाइंड आज न्यूज़। आई रिमेंड इन आज न्यूज़ फॉर 6 मंथ। मीन वाइल आई गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट। सो आई स्टेड देयर 3 ईयर्स। मीन वाइल आई डिड माई MPhil इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज फ्राम कायद यूनिवर्सिटी एंड आई अपेयर्ड इन CSS 2018। ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि जी सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करेंगे। देखें, आपके अंदर पैशन है ना, आपने एक चीज़ को अटेन करना है, गोल अचीव करना है, तो फॉर डैट आप जैसे भी करके आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। आई यूज़ टू गो इन ऑफिस, अब वर्क जो भी होता था मैं उसको वाइंड अप करके मैं जो मुझे टाइम ऑफिस में भी मिलता था मैं उसको स्टडी करने के लिए यूज़ करता था। और फिर मैंने आपको ये बताया कि एक टाइम अगर CSS लेट से आपने एक, मैंने आपको बताया कि मैंने 3 अटैम्प्ट दी हैं, तो इसमें कोई शेम फील करने वाली बात कि एक्सेस इवन आई हैव सीन मल्टीपल दोज हु हैव एलोकेटेड इन टॉप ग्रुप्स कि दे यूज़ टू हाइड कि हमने CSS दे यूज़ टू पोर्ट्रे कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो आई थिंक वी शुड गिव अप दिस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखें, आप जब तक स्ट्राइव कर रहे हैं आपको कितनी दफ़ा आप हारते हैं, कितनी दफ़ा फेल होते हैं, इट डजेंट मैटर। आपका गोल जो है वो ये होना चाहिए कि आप उसको चीज़ को अटेन करना है। और CSS हो गया या PMS हो गया, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ कि ये अगर नहीं होगा तो लाइफ ख़त्म हो गई। आई हैव सीन मल्टीपल सच स्टोरीज़ के अगर स्टूडेंट्स का लेट्स से कि वो एलोकेशन नहीं होती, दे यूज़ टू कमिट सुइसाइड या साइकोलॉजिकल पेशेंट वो बन जाते हैं। तो उसमें आपका गोल ये CSS क्यों कोई करता है उसकी ये मैं ऑन अ लाइटर नोट कि अगर आप किसी से भी CSS कैंडिडेट से पूछेंगे कि जी वाई यू आर अपेयरिंग फॉर CSS, एक तो वो आंसर है जो आप पैनल के सामने या इंटरव्यू पैनल के सामने आप बताते हैं कि जी आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, आई हैव अ ग्रेट पैशन, आई वॉन्ट टू डिलीवर जस्ट। बट एट द बैक एंड अगर आप किसी से पूछेंगे कि जी आप क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे जी गाँव में ज़रा जो है ना पापा जी जो हैं वो चौधरी हैं तो पता लगना चाहिए। या किसी से आप पूछेंगे वो कहेगा जी ज़रा नीली बत्ती होनी चाहिए। कि किसी और से आप जो एस्पायरेंट है आप उसे पूछेंगे वो कहेगा जी शशका होना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत लो रेट करता हूँ कि आपकी लाइफ का जो गोल है वो बिगर होना चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ें टेम्पटेशन होती हैं, बट इन द लॉन्ग रन आपकी सिविल सर्विस का मतलब क्या है कि आप किसी सर्विस के लिए आ रहे हैं। अगर आप प्रायर टू ज्वाइनिंग द सिविल सर्विस आप ये माइंड बैकएंड से आपके माइंड में ये चीज़ है कि जी मैं CSS कर लूँगा, CSS हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी और CTP में लैंड करते हुए बग्गी आएगी, बग्गी में मुझे लेकर जाएंगे और आगे दरबान जो हैं वो मुगलिया सल्तनत की तरह वो पंखे हिला रहे होंगे और कोई बहुत बड़ी शाहाना लाइफ स्टाइल होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेज इवन आफ्टर CSS। सो अगर आपको जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है आपकी मेंटल हेल्थ को, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर आपको फील करती है, वो होता है जब आप सर्विस डिलीवरी करते हैं, आप कोई सोसाइटी में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को रिलीफ मिलता है। एंड अगेन जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि वाई आई रेटेड PSP, तो मैं इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कि वो बहुत डी मोटिवेट हो जाते हैं कि लेट्स से कि अगर PSP या PAS या फॉरेन सर्विस नहीं है, तो हर ग्रुप की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसमें डिस्टिंक्टिवनेस है। उसमें आपने अगर आप देखें आपका गोल यह है ना कि मैंने इस कंट्री को सर्व करना है, तो ना सिर्फ CSS के वो 12 ग्रुप्स और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स हर कोई सर्व कर रहा है। तो अब ये होता है कि आपका अपना मोटिव बैकग्राउंड क्या है आपका, कि लेट्स से कि मैं एक आई कुडंट रिकॉल द नेम ऑफ दैट सीनियर ऑफिस PSP ऑफिसर। सो उन्होंने एक उनका वो टीचर थे, उनके साथ किसी पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की, तो उन्होंने सोचा कि मैं लेटर ऑन मैं CSS क्लियर करूँगा और मैं जो है ना ये टीचर की जो रिस्पेक्ट है आई विल इंश्योर कि किसी टीचर की ऐसे बेइज्जती ना हो। तो अब दिस इज़ अ बिगर गोल ना कि आप किसी राइट काज के लिए आपने अपना गोल आइडेंटिफाई किया। और इसी तरह यह है कि अब जब हम सर्विस में आते हैं एक PSP, ठीक है आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि उसमें आपको लगता है कि जी बहुत प्रोटोकॉल है या गनमैन्स हैं या ये ब्लू लाइट है, ये टिंटेड ग्लासेस हैं, तो मैं अगेन आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोटोकॉल के लिए नहीं होती। इफ़
यू आर विद, आपके साथ गनमैन होते हैं, तो दे आर फॉर योर सिक्योरिटी। मैं आपको इसके एक बड़ी अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं बहुत इसके अगेंस्ट था प्रोटोकॉल के, कि व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कराची एज एसडीपी ऑफ द्रख्या, सो आई वाज गिवन एक्टिंग चार्ज ऑफ एसपी क्लिफ्टन, सो दैट्स मीन आई वाज होल्डिंग टू पोस्ट। तो एट दैट टाइम गनमैन, क्योंकि एसपी के भी और एएसपी के भी मेरे साथ है, बट आई यूज टू कैरी ओनली वन और टू गनमैन मैक्सिमम, आई नेवर कैरीड अ स्क्वाड। तो और इवन ये भी होता था कि कभी किसी गनमैन ने, लेट्स से कि अगर, वैसे तो आई वाज सैंक्शन 12 गनमैन एट दैट टाइम, 6 इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसडीपीओ द्रख्या, 6 इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसपी क्लिफ्टन, सो आई वाज हैविंग 12 गनमैन प्लस 7 ड्राइवर्स, के 3 विद एएसपी द्रख्या एंड 4 विद एसपी क्लिफ्टन, बट आई यूज टू कैरी ओनली 1 और 2। तो जिस दिन मैंने कराची में मेरा लास्ट डे था, आई वाज रिलीविंग फॉर माय डेड पोस्ट एंड वांटेड टू मूव टू फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पिशावर हेडक्वार्टर। सो डैट डे अभी मैं अपनी फेयरवेल में था, और फेयरवेल में आई गॉट अ कॉल के जी अब्दुल्ला शाह गाजी की जो रहमतुल्लाह अलैह की जो श्राइन है वहाँ पर एक फ़िरका वराना फसादात जो है वो फूट पड़े हैं, तो आप मीन वाइल जो है वहाँ रश करें। तो गनमैन उस दिन, क्योंकि आई वाज इन सिविल ड्रेस, सिर्फ ड्राइवर था कार में और गनमैन वैसे आए, तो मैंने कहा यार आज लास्ट डे है, चलो आप भी फैमिली को टाइम दो। और मीन वाइल मैं वहाँ से जब वापसी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ जब मैं बड़ा नियर था उसके, तो मेरी गाड़ी पर जो है कभी पथराव, कभी फायरिंग, कभी आयरन रॉड्स, कभी वुडन स्टिक्स। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अगर वो गनमैन होते, इफ़ दे वुड हैव रिजॉर्टेड टू एरियल फायरिंग या कोई भी एज अ डेटरेंट, तो आई वुड नॉट हैव बीन अटैक्ड। और थैंक्स टू माय डैड ड्राइवर के, जिसने उसको कार को वीगो जो उसको ब्रेक नहीं लगने दी, अगर ब्रेक लग जाती तो जो मॉब था, मॉब में सिंगल और टू पर्सन तो कुछ भी नहीं कर सकते, और मॉब वॉज हैवली चार्ज। सो इसलिए ये चीज़ें आपकी, इनको आप उस एंगल से ना लें कि आपका प्रोटोकॉल है या शशका है, आप इसको इस एंगल से लें कि ये चीज़ आप किसी के भले के लिए यूज़ कर सकते हैं। अरे इन हैदराबाद, मतलब अभी देखें कि एक बच्ची किडनैप हुई थी, वो रेस्क्यू हुई, उससे पहले 3 किड्स वर किडनैप आलमोस्ट 2 मंथ्स अगो। तो उन बच्चों को जिसने किडनैपर था उसने उनको ड्रग्स दी हुई थी, अगर लेट्स से कि वो एक उनको हमने विद इन 3 डेज रिकवर किया, अगर मज़ीद एक दिन भी और ऊपर जाता वो ड्रग्स की वजह से बच्चों को, क्योंकि वो नींद में थे, बेहोशी में थे, तो उनकी डेथ हो जाती। तो अब उन अपने रिसोर्सेज को आप अगर सर्विस डिलीवरी का आपके माइंड में है, तो आपको बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी, मतलब आप पर, मैं रात को सोता हूँ तो मुझे बड़े सुकून से नींद आती है। मगर हाँ, अब मैं अगर CSS ज्वाइन करता और मैं सोच के गया था कि कल तो बैरिया टाउन में एक प्लाट होना चाहिए, पाम जुमेरा में दुबई में एक जो है कोई बीच पे आइलैंड होना चाहिए अपना, तो दिस इज़, इसके लिए सिविल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। और स्पेशली मैं, मतलब आई पर्सनली फील कि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, ड्रामास हैं, मूवीज़ हैं, उनमें जिस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोरीफाई करके कि वो ये शो किया जाता है कि पत्नी को क्राउन प्रिंस जो हैं वो आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वी आर हेयर फॉर सर्विस डिलीवरी, वी आर हेयर टू इंश्योर द रेट ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट बट एवरी डिपार्टमेंट इन विच यू गॉट एलोकेशन आफ्टर क्वालिफाइंग CSS।